फ्रेंड्स, आज हम मोटी हरी मिर्च का अचार बना रहे हैं, जिसको मैंने अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ दिए, बिल्कुल सूखा कर दिया। इसमें स्लिट लगा दिए, एक मिर्च के दो दो टुकड़े कर दिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, लेमन जूस, हल्दी, सफेद नमक, चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंठ पाउडर और ये सौंफ है जिसको मैंने दरदरा कूट दिए, हींग है। इन सबको हम अपने मिर्च में मिक्स कर देंगे। अब आप इसको शेक करें, थोड़ी देर के लिए, एक घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दें ढक के, और फिर इसके साथ खाने का मजा देखें। एक घंटा रेस्ट करने के बाद हमारी मोटी हरी मिर्च का अचार लंच में देने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंस्टेंट अदरक का अचार बना रहे हैं, जिसे जिंजर भी कहते हैं। इसको मैंने छोटा छोटा काट दिया, बिल्कुल ऐसे लंबे स्लाइसेस के अंदर साफ सुथरा कर दिया, कपड़े से अच्छे से पोंछ भी दिया। इसका अचार ये है जो खाने के जायके को बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ा देता है और डाइजेस्टिव भी होता है। इसमें डालें लेमन जूस, एक नींबू का रस निकाल लें, थोड़ा सा नमक, देगी लाल मिर्च और हींग। इन सारी चीजों को अपने अदरक में मिला दें और हमारा ये इंस्टेंट अचार तैयार हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा शेक कर दें, शेक करने के बाद हम इसको ढककर एक दो घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर देखना इसका कितना अच्छा कलर आ जाएगा। एक घंटा रेस्ट करने के बाद हमारे अदरक के अचार का कलर देखें कितना फाइन हो गया। अब ये खाने में भी चटपटा हो गया, अब ये खाने में लंच में सर्व करने के लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंस्टेंट मिर्च का अचार बना रहे हैं, हरी मिर्च का। ये ताजा हरी मिर्च है जिसको मैंने अच्छे से धोने के बाद कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। पोंछने के बाद इसके अंदर ये स्लिट लगा दिए, जिससे कि मसाले इसके अंदर चले जाएं। कुछ नहीं करेंगे हम इसको, सीधा डायरेक्ट बनाएंगे। ये लेमन जूस है और ये मसाले हैं, जो नमक, सौंठ पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, नमक, हींग और देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें। इसमें लेमन जूस डालें और साथ ही ये सारे मसाले डाल दें और उसको कुछ थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक का भी फ्लेवर दिया है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव करेगा। अब इसको हल्का सा शेक करें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर देखें खाने का जायका। सारे मसालों को मैंने बहुत अच्छे से शेक कर दिया। मैं इसको ढककर एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद मिर्ची का अचार खाने के साथ सर्व करेंगे और फिर खाने वालों की वाह वाह होगी। एक घंटा रेस्ट करने के बाद शानदार मिर्च का अचार बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मम्मी पापा की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंस्टेंट गाजर का अचार बनाएंगे, क्योंकि आजकल गाजर का सीजन है और बहुत अच्छी गाजर आ रही है। तो मैंने गाजर को अच्छे से पोंछ के उसको छील दिया। छीलने के बाद इसका जहां तक हो सके व्हाइट पार्ट भी मैंने निकाल दिया और छोटे छोटे स्लाइसेस भी बना दिए। मसालों में मैंने सौंठ पाउडर और राई को मैंने दरदरा कूट दिया, सौंफ को भी दरदरा कूट दिया, काला नमक है, भुना हुआ जीरा है, चाट मसाला है, सफेद नमक है, हल्दी है, हींग है और मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रही हूँ, जिससे हमें ज्यादा मिर्च नहीं लगेगी। अब इन सारी चीजों को आप अपनी गाजर के बाउल में मिक्स कर दें और आपका गाजर का अचार इंस्टेंट तैयार हो जाएगा। अब आप इसको ढककर दो घंटे के लिए छोड़ दें रेस्ट करने के लिए, फिर इसके बाद हमारा गाजर का अचार तैयार हो जाएगा। दो घंटे रेस्ट करने के बाद हमारा गाजर का अचार सर्व करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।